लालू यादव की काफी प्रिय रितलाल यादव अब लालू यादव तेजस्वी यादव को टाटा बाय बाय पक्का कह देंगे और बीजेपी के साथ अगर रितलाल यादव आएंगे तो उनको क्या मिलेगा। पहले रामकृपाल यादव और अब रितलाल यादव, क्या है पूरी कहानी। रितलाल यादव नाराज थे और नाराजगी में घर बैठे हुए थे कि रितलाल यादव आरजेडी छोड़ रहे हैं, ठीक, और ये इसमें सच भी है, ये सच्चाई भी है। अगर रितलाल यादव आरजेडी के दुश्मन है तो बीजेपी के दोस्त हो सकते हैं। शायद वो पालीगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात चल रही है। सर, कितनी दूर दूर की खबर आप तक आ जाती है और आप कह रहे कि हो सकता है। लालू यादव की काफी प्रिय रितलाल यादव अब लालू यादव तेजस्वी यादव को टाटा बाय बाय पक्का कह देंगे, बीजेपी से सटेंगे। लेकिन रितलाल यादव ऐसा क्यों कर सकते हैं और बीजेपी के साथ अगर रितलाल यादव आएंगे तो उनको क्या मिलेगा। आखिर क्या मजबूरियां हैं कि रितलाल यादव के दिल में खटक रहे हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव। देखिए बिहार में ये चर्चा बहुत गंभीर हो चुकी है, पहले रामकृपाल यादव और अब रितलाल यादव, क्या है पूरी कहानी। चर्चा में हमारे साथ इस वक्त प्रदीप सर हैं, राजनीति के विश्लेषक हैं। बिहार की बड़ी से बड़ी खबर और छोटी से छोटी खबर पर पूरी नजर रहती है, बारीक नजर रहती है। सर, चर्चा में हम रितलाल यादव का जिक्र जिस तरह से कर रहे हैं आप सुन ही रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या खिचड़ी पक रही है रितलाल यादव के मन में, दिल में, दिमाग में। नहीं, देखिए दो तीन चीजें हैं मैं कहना चाहूंगा। पहले सबसे पहले तो रामकृपाल यादव से तुलना नहीं होनी चाहिए रितलाल यादव। नहीं होनी चाहिए। रामकृपाल यादव एक राजनेता है, पक्का राजनेता की पहचान है उनकी, लेकिन रितलाल यादव के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अभी रितलाल यादव ने आरजेडी को छोड़ा नहीं है। हाँ, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, अफवाह ऐसा है, मैंने इसमें सच्चाई भी है, ठीक है, सच्चाई क्यों है मैं बता रहा हूँ। चूंकि मीसा भारती जब लोकसभा चुनाव लड़ रही थी पाटलिपुत्रा से, तो ऐसा कहा गया जाता है कि रितलाल यादव नाराज थे और नाराजगी में घर बैठे हुए थे। मतलब मीसा भारती के चुनाव में पाटलिपुत्रा संसदीय सीट पर चुनाव में उनकी कोई आरजेडी की जीत में कोई भूमिका नहीं रही, वो घर बैठे थे, बल्कि क्षेत्र से भी बाहर चले गए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि लालू परिवार से बैर लेकर कोई आरजेडी में कैसे रह सकता है, ठीक है। तो जब मीसा भारती की रितलाल यादव ने मदद नहीं की, इसका मतलब ही लोगों ने लगा लिया है कि रितलाल यादव आरजेडी छोड़ रहे हैं, ठीक है, और ये इसमें सच भी है, ये सच्चाई भी है कि चूंकि लालू यादव की पार्टी है आरजेडी, तो लालू यादव को चुनौती देकर, लालू यादव से बैर मोल लेकर कहाँ जाएंगे रितलाल यादव और मिलेगा भी क्या, हाँ, आरजेडी में कैसे रह सकता है। तो इसीलिए ये चर्चा है कि रितलाल यादव आने वाले समय में आरजेडी को छोड़ देंगे। देखिए सर, एक कहानी ये भी चल रही थी कि रितलाल यादव की पूरी नजर थी कि कैसे भी करके उनको ये जो पाटलिपुत्र लोकसभा है वो लालू यादव दे दे और एक ही बार कह दे कि लड़ लो रितलाल यादव यहाँ से तुम लोकसभा चुनाव। वो मीसा दीदी से भी कहते रहे कि दीदी फैसला लेंगी, पर दीदी ने अपने लिए ही फैसला लिया, चुनाव लड़ी और अब इस बार जीत गई, दो चुनाव हार के तीसरी बार जीती, तो मतलब है कि ये जिंदगी भर के लिए मीसा भारती ने अपने लिए सीट पक्की कर ली है आरजेडी की टिकट पर। अब रितलाल को यहाँ डर ये लग रहा है कि अब तो यहाँ से उनका कोई भविष्य राजद से तो है नहीं, ऑप्शन में क्या है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव है, तो कहीं से तो जुगाड़ लगाना ही है, क्या कहेंगे सर। नहीं देखिए, मुझे आज भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, वैसा मैं भी सुन रहा हूँ कि रितलाल यादव बीजेपी में जाने वाले हैं, लेकिन मुझे भी आज इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है कि बीजेपी रितलाल यादव को शामिल करेगी पार्टी में। बीजेपी ने तो बहुतों को किया है शामिल, मुझे लगता है इस नाम पर बीजेपी सहमत नहीं होगी। क्या वजह क्या है इसका, कारण है कि बीजेपी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और बीजेपी के विधायिका आशा सिन्हा, जो तीन बार विधायिका रही वहां से, उनके पति सत्यनारायण सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता थे, उनकी हत्या में रितलाल यादव का नाम आता है, नंबर वन। नंबर टू, जिस प्रकार की छवि रितलाल यादव की है, उस प्रकार की छवि के नेताओं को बीजेपी प्रायः, मैं प्रायः शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रायः ऐसे लोगों को बीजेपी अपने पार्टी में शामिल नहीं करती रही है, ये बीजेपी का इतिहास है, ठीक है। लेकिन कई बार पॉलिटिकल पंडितों का इतिहास की जानकारी को जो है भविष्य असफल कर देता है, तो हो सकता है इस बार मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मेरा अनुमान ऐसा कहता है, दिल कहता है कि बीजेपी को तो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। बीजेपी की
जहां तक बिहार में राजनीति हम देखें तो पूरी कोशिश में बीजेपी है कि कैसे भी करके तेजस्वी सत्ता में नहीं आने चाहिए, और नीतीश कुमार ही सही, चाहे नीतीश कुमार जो भी कहे उनकी हर बात मानते हुए भी बीजेपी पूरी तरह से डटी हुई है बिहार में, यानी समझौता हर स्तर पर बीजेपी कर रही है। तो लाल यादव के नाम पर समझौता बीजेपी क्यों नहीं करेगी, जब सामने जब उनको तेजस्वी यादव को हराने जैसा चैलेंज है, लालू यादव की इतनी लंबी जो पारी है उसको हटाने का चैलेंज है, आपको नहीं लगता है कि 2020 से ज्यादा चुनौती बीजेपी के लिए 2025 में हो गई है अब पहले की तुलना में? तो ऐसे में बीजेपी तो कोशिश करेगी ही ना कि भीतरघात करने वाले किसी व्यक्ति को ले, और इतलाल भीतरघात भी तो कर सकते हैं राजद में। नहीं देखिए, ये आपका कहना सही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है राजनीति में, तो अगर रीतलाल यादव आरजेडी के दुश्मन है तो बीजेपी के दोस्त हो सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। हो सकते ना, चर्चा तो ये लोग जानना तो यही चाह रहे हैं कि होंगे या नहीं होंगे रीतलाल यादव बीजेपी के दोस्त। अर्पिता, मैंने भी यही बातें सुनी है कि रीतलाल यादव बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, हो सकते हैं, और शायद वो पालीगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात चल रही है। सर, कितनी दूर दूर की खबर आप तक आ जाती है और आप कह रहे हैं कि हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा तो मुझे आश्चर्य होगा, क्योंकि अब तक का जो इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी, देखिए जदयू में लोग ऐसे लोग शामिल होते रहे, ठीक है, लंबा इतिहास है जदयू में, सुनील पांडे का, अनंत सिंह का, कई लोग हैं इस कैटेगरी में आने वाले, मैंने जिस प्रकार की छवि इतलाल की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की छवि के बिहार में आप नाम नहीं देखेंगे। देखिए, ठीक है, बिहार में बदलती राजनीति में बीजेपी ने जहां कभी जाति कार्ड नहीं खेला, वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इस कार्ड से समझौता करना पड़ा, और लोकसभा चुनाव में जातियों का तिकड़म उसे भी सेट करना पड़ा कहीं ना कहीं। तो हो सकता है कि यहां जो बिहार की बिसात है थोड़ी अलग बैठ जाती है, तो यहां समझौता बीजेपी कर ले। देखिए, जाति का कार्ड खेलना राजनीतिक दल की मजबूरी हो सकती है, ठीक है, लेकिन 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 कहीं ना कहीं एक सीमा तय होनी चाहिए राजनीतिक दलों के लिए, पर्टिकुलरली विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल के लिए, जो बात करती है कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होने का, जो बात करती है विचारधारा आधारित राजनीतिक दल होने का, जो बात करती है पार्टी विथ अ डिफरेंस का, ठीक है, तो ठीक है कि राजनीति में समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन समझौता की भी तो एक सीमा होगी, ठीक है। अब मान लीजिए दाऊद इब्राहिम अगर बीजेपी आ जाए हिंदुस्तान वापस और कहे कि भाई हम 5 सीट चुनाव जितवा देंगे बीजेपी को और बीजेपी पार्टी में शामिल कर ले, तो मुझे लगता है कि बीजेपी का 5 सीट जितवाना, मुझे लगता है कि 500 सीटों पर वो हरवा देगा, ठीक है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि रीतलाल यादव को अगर बीजेपी अपने पार्टी में शामिल करती है तो हो सकता है कि रीतलाल यादव अपनी सीट जीत जाए, लेकिन उसके कारण बीजेपी की जो छवि खराब होगी उसका असर, बीजेपी अगर 100 सीटों पे लड़ेगी तो सभी सीटों पे उसका असर पड़ेगा। चलिए सर, आपने दो बातें बहुत क्लियर कर दी हैं। संभावना ये जरूर है कि रीतलाल यादव बीजेपी में आ सकते हैं और पालीगंज से वहां बीजेपी उनको टिकट दे सकती है, लेकिन दूसरी बात पर ज्यादा हमें गौर करना चाहिए कि अगर रीतलाल यादव बीजेपी में आते हैं तो इसका फायदा होने की जगह बीजेपी को नुकसान के ज्यादा चांस है। देखते हैं कि बीजेपी के जो कर्ता धर्ता है, जो बड़े नेता है, वो क्या फैसला लेते हैं। पूरी नजर बनी रहेगी इस पूरी खबर पर, आप भी हमारे साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।